नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HDIS परिवार के अंदर। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो है क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर हम दो पार्ट में लेके आ रहे हैं। फर्स्ट जो है वो मेंस है, यानी वहां पर आपकी मेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और यहाँ पर आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेंस के अंदर प्रॉपर आपका डिपेंड होगा कि आप मेंस कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पर प्रॉपर आपको जो है मेंस पढ़ाया जाएगा अच्छे से। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाके अभी देख सकते हैं। और ये क्यूज के आधार प्रैक्टिस होगी, यानी कि आपकी प्रीलिम्स हम जो है वो क्यूज के आधार पे प्रैक्टिस कराएंगे। जो पार्ट यानी कि जो क्लास वहां पर मेंस के अंदर ली जाएगी, उसी पार्ट यानी कि उसी चैप्टर के क्यूज की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी मेंस और प्रीलिम्स की जो है तैयारी साथ में चलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्यूज की प्रैक्टिस के आधार पर यानी कि आपकी प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा और मेंस भी तैयार हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं एनसीईआरटी आधारित भी है और कुछ अन्य क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन एमसीक्यू है, तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की जो नीति थी उनके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। तीन उद्देश्य दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ावा देना, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था कि नहीं था, ये हमसे पूछ रहा है जो डलहौजी का था। देखिए, उसने जो अधिग्रहण की नीति बनाई थी और इंडिया के अंदर जो शासक थे उसको लग रहा था कि यहाँ पर जो शासन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, जिनके अंदर वहां पर निर्यात कम हो रहा था, तो उसने वहां पर अधिग्रहण की नीति चलाई। तो पहला जो है वो सही है। दूसरा क्या है कि भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा उसको पाना था। उसको लग गया था कि भारत विजय में जो ये राजा है जितने सहयोग हमें प्राप्त करा सकते थे वो प्राप्त करा चुके हैं, अब ये हमारे ऊपर जो है वो बोझ है, हमें इनसे छुटकारा पाना है। तो उन्होंने सीधा अधिकरण लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो उनका क्षेत्र था उसको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया कि इन राजाओं की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या दिया गया है कि भारत में ब्रिटेन के उद्योग के लिए कपास के रूप में जो उनको मटेरियल चाहिए था, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति चल रही थी, ब्रिटेन के अंदर जो है कपास की जरूरत पड़ रही थी, तो इन्होंने क्या किया निजाम के क्षेत्र से इन्होंने इसको एक प्रांत को ले लिया जहां पर जो है कपास की खेती होती है, यानी कपास का जो है उत्पादन होता था। तो तीनों ही कथन जो है वो सही है, इसलिए आंसर इसका क्या है, डी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण जो है वो कुशासन के आधार पर किया गया। देखिए, अनेक आधार इन्होंने अपनाए जो है अधिग्रहण करने के, क्षेत्र पे कब्जा करने के। जैसे झांसी को क्या बोला गया कि आपका उत्तराधिकारी नहीं है ना आप गोद ले सकते हैं, तो उनको उस आधार पर कब्जा कर लिया। अवध को जो है इन्होंने लालच के आधार पर कर दिया और ये बोला गया कि जो यहाँ शासन चल रहा है नवाब यहाँ शासन चला रहे हैं वो शासन ठीक नहीं है, तो यानी कुशासन के आधार पर जो है उन्होंने अवध पर कब्जा किया था। तो आंसर क्या है, आंसर है इसका भी। आपको फैक्ट और कंसेप्ट दोनों पता होने चाहिए जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वही हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। चैप्टर वाइज आपकी तैयारी कराई जाएगी, जो भी चैप्टर मेंस के अंदर पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पर जो है क्यूज के आधार पर उनकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, यानी कि कंसेप्ट और जो मेंस है वो वहां पर करवा कवर कराया जाएगा और यहाँ पर जो है प्रीलिम्स यानी कि फैक्ट जो है यहाँ पर कवर करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय का जो सिद्धांत था वो सर्वप्रथम को स्वीकार होने वाला उनका कौन सा राज्य था, तो वो था सतारा। आइए इसके बारे में जो अन्य राज्य थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का अधिग्रहण किया था, ये एक फैक्ट है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है जैतपुर का, संबलपुर का, बरार का, उदयपुर का, झांसी का, नागपुर का और करौली का जो है अधिग्रहण किया। ये एक श्रृंखला है आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि ये फैक्ट है, पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य का विलय का जो सिद्धांत है वो लागू किया था, तो वो किसने किया था। आपको पता ही है राज्य विलय का सिद्धांत किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो लॉर्ड वेलेस्ली का है वो सहायक था। ठीक है, यानी कि सहायक संधि भी, यानी कि राज्य को सहायक संधि का मान किया जाता था, उसके तहत जो है अधिग्रहण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया, यानी कि उनको रूसियों पर ऐसा अटैक कर सकते हैं, इंडिया पर अटैक कर सकते हैं, उसके भय से किसका जो है अधिग्रहण किया गया था। उसके अंदर पंजाब दिया गया है, सिंध दिया गया है, कश्मीर दिया गया है और असम दिया गया है। देखिए, रूस से इनकी तनातनी चल रही थी एशिया के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। इनको भय था कि अफगानिस्तान के जो रास्ते है इंडिया पे अटैक हो सकता है, तो किस राज्य पर अटैक होगा, वो अटैक होगा सिंध पे। इन्होंने क्या किया, सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य था, वो था सिंध, तो आंसर इसका बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था, तो वो स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। आगे बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से जो है राजघाट की संधि की थी। तो वो की थी इंदौर के होलकर से, इन्होंने इंदौर के होलकर से इसकी संधि की थी। इसके बारे में आपको बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि यहाँ पर जो है युद्ध के जरिए जो प्रसार चलाई जा रही है वो बहुत हमें महंगी पड़ रही है, उसमें हमें कोई मुनाफा जो है हमारा कम होता जा रहा है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर ब्रिटिश नेता जो राजनेता थे उन्होंने आगे प्रसार करने के लिए रोक दिया कि अब हम आगे प्रसार जो है नहीं करेंगे क्योंकि फिजूल खर्ची बहुत हो गई, इसे अब बंद कीजिए। भारत में ब्रिटेन की जो उपलब्धियां थी उसको सुरक्षित करने के लिए फैसला लिया गया था, इसलिए वेल्जनी को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा जो है होलकर के साथ शांति स्थापित करने में राज्य को एक बड़ा भाजन को वापिस दे दिया। तो आपको पता चल गया किसके साथ किया गया है, तो इंदौर के होलकर के साथ किया गया है, तो आंसर इसका क्या है, डी इसका आंसर है। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलजली ने भारत में अपने जो राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे, इनमें से कौन कौन से काम उन्होंने किए थे, उन कौन कौन सी नीति अपनाई थी। तो सहायक संधि की नीति अपनाई थी जैसा कि मैंने बताया। अगला क्या है, खुला युद्ध वो लड़ते थे तो ये भी उन्होंने अपनाया था। पहले से अधीन बनाए गए जो चूंकि जो राज्य थे यानी कि जिन्होंने सहायक संधि प्रश्न कर लिया उनको शासकों को उनका जो राज्य था उनका जो क्षेत्र है उसको हड़पने का कार्य किया था, तो ये तीनों कार्य उन्होंने किए थे। राज्य विलय सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी का था, वो इनका नहीं था, तो 1, 2 और 3 इसका आंसर यानी कि आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साल बाई की संधि का संबंध जो है वो किस युद्ध से है, तो वो किस युद्ध से है, वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। ठीक है, इसका संबंध किससे हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी, यानी कि जो टाइम पीरियड रहा वो बहुत अशुभ रहा, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। उसके मुख्य कारण क्या क्या थे, यानी कि क्या क्या ऐसे कारण नहीं कि वो ब्रिटिश शक्ति के लिए एक अशुभ की घड़ी थी, तो वो क्या क्या कारण घटित हुए, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण इन्होंने बोला है कि अंग्रेजों को मराठा, मैसूर और हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध उनको सामना करना पड़ा था, कि दक्षिण में क्या है, मैसूर और हैदराबाद ने युद्ध छेड़ दिया था, उनका ऐलान कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। इधर जो है मराठा भी उनसे परेशान थे, तीनों खतरा तीनों शक्ति आपस में मिल गई और तीनों शक्तियों का उन्होंने सामना करना पड़ा अंग्रेजों को, तो एक टाइम पीरियड तो ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दूसरी क्या कि अमेरिका की जो जनता है 1776 के अंदर क्या हो रहा था, वहां पर इनके आपस में संघर्ष चल रहा था और अंग्रेजों को लगातार वहां पर हार मिल रही थी, तो वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उस टाइम पीरियड के दौरान। अगली प्रॉब्लम क्या थी कि अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण, ये गलत दिया गया है कि अंग्रेजों का जो है बंगाल पर नियंत्रण जो है समाप्त हो गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो एक और दो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो फ्रांसीसी इनके प्रतिद्वंदी थे तो इन बेनिफिट यानी कि जो जब आपके दुश्मन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो क्या है, जो आपका दुश्मन है यानी कि फ्रांसीसी वो इस टाइम पीरियड पे क्या है बेनिफिट उठाने का प्रयास कर रहा है, तो इनके साथ चारों तरफ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो एक और दो जो है सही है, यानी कि आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत जो है कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वो है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। ये क्या करते थे, इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों तरफ से बंगाल को लूट रहे थे, बहुत बुरी तरह से बंगाल को लूटा जा, पूरे देश को इन्होंने लूटा है। एक टाइम पीरियड पे क्या किया, जो है ब्रिटेन से पैसा जो है जो आता था यहाँ पर माल खरीदने के लिए, जो भारतीय माल था वो खरीदने के लिए जो पैसा आता था वो बंद कर दिया। अब जो यहाँ से वो राजस्व लेते थे बंगाल से, उन उसी पैसे को वो यूज करने लगे भारत से माल खरीदने के लिए, यानी कि हमारा ही पैसा और हमारा ही माल हमारे पैसे से खरीद रहे हैं और वो माल लिए बेच रहे हैं विदेशों में जाकर, यानी डबल बेनिफिट ये कमाने लगे, तो वो ये क्या बोलते थे कि ये लागत पूंजी है। ठीक है, आंसर क्या हुआ इसका, आंसर ऐसी कि बंगाल से जो प्राप्त राजस्व उनको प्राप्त होता था उसी से ये माल खरीदते थे भारत, यानी कि भारतीय पैसे भारतीय माल खरीदते थे, उसको जाके विदेश में बेचते थे और बोलते थे कि ये लागत पूंजी है। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी एवं द्वैत व्यवस्था के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आइए बताइए कि उनमें से कौन कौन सा सही है। देखिए बारी बारी से आइए चेक कर लेते हैं कौन सा सही दिया गया है कौन सा सही नहीं दिया गया है। देखिए पहला क्या दिया गया है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का जो है वो नियंत्रण था, बिल्कुल सही दिया गया है। आपने देखा भी है कि बंगाल पर उन्होंने कलकत्ता के आसपास जो क्षेत्र को उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर राजस्व पर उनका नियंत्रण था। दूसरा बोल रहा है कि पुलिस और जो न्यायिक शक्तियां हैं उन पर नवाब का नियंत्रण था, तो नहीं,
पूरे क्षेत्र पर भी जो है, जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद जो है पूरे क्षेत्र पर बंगाल पर इनका पूर्ण नियंत्रण हो गया था और पुलिस और न्यायिक शक्तियां भी इनके नियंत्रण के अंदर थी। तो दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है कि नवाब के नियंत्रण में था, नवाब के नियंत्रण में कुछ नहीं था। तीसरा क्या है कि प्रशासन का जो दायित्व था वो कंपनी के अंतर्गत। अब ऐसा लगेगा कि जब पुलिस न्यायिक शक्तियां जो है इनके पास है तो जो है जिम्मेदारी भी इनके पास है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी थी किसकी, नवाब की जिम्मेदारी थी। यही तो थी दोरी, जो द्वैध व्यवस्था थी वो यही था कि सारी शक्तियां तो इनके पास है ठीक है, मगर जो जिम्मेदारी है, जो अधिकार है, यानी कि जो कार्य करने हैं वो किसके पास है, वो नवाब के पास है कि कार्य आप कीजिए, पैसा हमारा, सब पावर जो है हमारी, पैसा और पावर हमारी, कार्य आप कीजिए। तो ये कह क्या थी, दोहरी व्यवस्था, इससे परेशान हो गए थे नवाब भी ठीक है। तो आंसर क्या है कि प्रशासन का दायित्व तो कंपनी का नहीं था, ये भी गलत है क्योंकि दिया गया कि वो कंपनी का नियंत्रण में, यानी कि उसके अधिकारियों पर उसका दायित्व था, तो कोई दायित्व नहीं था। दूसरा भी गलत है कि ये चीज जो है नवाब के नियंत्रण में थी, ये भी किसके नियंत्रण में थी, कंपनी के नियंत्रण में ही थी। तो केवल पहला सही है, आंसर केवल एक हो जाता है। आगे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तो बताते हैं, पहला क्या है कि पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब यहाँ पर जो वायसराय थे वो अल्फांसो डी अल्बुक थे। 1510 के अंदर जो है यहाँ गोवा पे अधिकार किया गया था, तो उसी टाइम पर है अल्फांसो डी अल्बुक वहां पर थे। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या है कि 16वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित जो हरमून से लेकर मलाया में स्थित जो मलक्का है वहां तक एशिया के पूरे समुद्र पर कब्जा कर लिया था। देखो इन्होंने, इनकी जो नेवी शक्ति थी वो बहुत खतरनाक थी, इन्होंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, जो सैन्य क्षेत्र थे, उन पे कब्जा कर लिया और वर्चस्व कायम किया पूरे समुद्र के ऊपर। और ये कैसे किया गया, क्या इनके परिणाम हुए, ये हमें मेंस के अंदर समझाया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स है तो इतनी जरूरत इसकी नहीं है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको अच्छे से, यदि आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं पढ़ने के बाद भी, तो वो वीडियो देखने के बाद, ये क्लासेस देखने के बाद आप कर पाएंगे, तो वो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो इसमें क्या हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में कब्जा करने के कारण जो है पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। देखिए दक्षिण क्षेत्र में क्या है, इन्होंने दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में कब्जा तो किया मगर दक्षिण क्षेत्र में मुगल नहीं थे, वहां पर उनका जो है वर्चस्व नहीं था, वहां पर उनका शासन नहीं चलता था, तो इसलिए पुर्तगालियों जो है मुगलों की शक्ति के सामने उनका संघर्ष कभी नहीं हुआ, यानी कि मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष जो है वो कभी नहीं हुआ। तो क्या तीसरा जो है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो गया, एक और दो, यानी कि केवल एक दो, यानी कि ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन कौन थे वो तो मैं आपको बता दूंगा, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजों के साथ अनेक लड़ाइयों के बाद जो है कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था। तब वह क्या किया, वो अवध भाग गया और जहां उसने अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला को भगोड़े मुगल बादशाह आलम द्वितीय था उसके साथ एक समझौता किया और उन्होंने तीनों ने बनाया कि हम जो है युद्ध छेड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने इन तीनों को जो है समित रूप से बक्सर के युद्ध में हरा दिया था और अपनी जो शक्ति बताई थी कि हम कितने शक्तिशाली हैं इंडिया के अंदर ठीक है। तो वो कौन कौन थे, वो मीर कासिम था, जाउद्दौला था और सालम द्वितीय था। तो आंसर इसका बी है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त जो है निर्वाचित रूप से अधिकार जो है प्राप्त हुए थे। तो वो प्राप्त हुए थे बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर और बिहार के अंदर, यानी कि दो इसमें दिए गए हैं, तो एक और दो, यानी कि आंसर केवल एक दो, यानी कि ए इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे, तो वो क्या क्या थे। कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, दूसरा दिया गया है कि कलकत्ता आने पर भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी जो है वो कर लगाना और सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा करना। देखिए हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला चाहता था अंग्रेजों से कि जो मुर्शिद अली खां है उनके हिसाब से, यानी उस टाइम पीरियड पर जो टैक्स लगता था वो जो टैक्स देते उसी हिसाब से जो है इस टाइम पर भी काम किया जाए, मगर अंग्रेज इससे सहमत नहीं थे, तो दोनों के बीच में ठन गई। तो हुआ क्या, उसके बाद वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उल्टा जो है वो जो कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में किसका वर्चस्व था, अंग्रेजों का वर्चस्व था, तो जो है भारतीय माल जो कलकत्ता के अंदर जाता उस पर टैक्स को और बढ़ा दिया। यानी कि जो बोला सिराजुद्दौला कि हम इस टैक्स पे काम करना चाहते हैं मगर वहां पर सहमत नहीं होते, उल्टा क्या किया कि भारतीय जो माल है जो कलकत्ता के अंदर जा रहा है उस पर टैक्स और बढ़ा दिया गया।
और फिर क्या किया, जब ये वहां पर कलकत्ता के अंदर गए तो वहां पर इन्होंने क्या किया, उनको लग रहा था कि फ्रांस के साथ आपका सामना हो सकता है, युद्ध हो सकता है हमारा, तो इन्होंने किलाबंदी की कलकत्ता की। अब इसको लगा जाजुद्दौला को कि ये किलाबंदी कर रहा है, इसमें मेरी संप्रभुता जो है उसकी हानि हो रही है, ये तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है। तो उनको लगा कि यार फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो इसने क्या किया, जाके कासिम बाजार के अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और कुछ अन्य जगहों पर जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये कुछ कारण जो है वो घटित हुए, ये तीनों ही कारण जो है सही है, यानी कि आंसर इसका 1, 2, 3 है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान में कौन कौन से अधिकार वो इनको दिए गए थे। पहला क्या है कि कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात को छूट उसको प्राप्त हुई। पहले तो जो इन्होंने छूट अधिकार दिए थे ना, प्रॉब्लम्स यहीं से क्रिएट हो गई थी इन दोनों के बीच में, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या है कि भारतीय व्यापारियों एम कंपनी के कर की दर को एक समान कर देगा, जो भारतीय व्यापारी थे और कंपनी के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे जो निजी रूप से उनको यदि उनको जो है करना है व्यापार करना है तो उनको छूट दी गई थी कि वो जो है व्यापार जो है वो कर सकते हैं, मगर उनको टैक्स चुकाना होगा, कंपनी को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, मगर उनको टैक्स जो है वो चुकाना होगा, क्या जो भारतीय व्यापारी चुकाते हैं वही आप चुकाओगे, ठीक है, ये बोला गया था। तीसरा क्या है कि कलकत्ता से होने वाले जो व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार इनको दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, वो आंसर केवल 1, 2 यानी कि ए इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ब्रिटिश राजनीति सत्ता का प्रारंभ किस युद्ध से माना जाता है, तो वो माना जाता है प्लासी के युद्ध से, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट और फैक्ट तीनों चीज हमारी कवर होनी चाहिए, तो वो आपकी हो रही है। यदि आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप हमारी नई क्लासेस देख सकते हैं जो मेंस के रूप से स्टार्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या दिया गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में ये मिस्टेक हुई है, पीपीटी क्रिएट करने में है जो हमारे पीपीटी क्रिएटर है उनसे मिस्टेक हुई है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि फ्रांस इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज की कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है निजी कंपनी थी, मगर जो फ्रांस की कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि जो निर्देशन है वो फ्रांस से जुड़े हुए थी, जो भी फ्रांस चाहता था वो जो है ये कंपनी करती थी, मगर ये जो है वो निर्णय जो है खुद ले सकती थी। तो आंसर क्या हुआ कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, उस पर ही निर्भर थी, जो निर्देशन वहीं से आते थे क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी। तो आंसर क्या हो गया, ऐसा कौन सा है, बी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 16वीं-17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कौन सा दिया गया है, पहला दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा दिया गया है कि इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम एक किला बनाया था, ये क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था और कैसे हुआ था, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 16वीं-17वीं सदी में कंपनी की कोई भी फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी ही होती थी, ठीक है, और जिससे अंदर में गोदाम होता था, दफ्तर होता था और कंपनी के कर्मचारी के लिए वहां पर घर होता था, ठीक है। तो इन फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं किया जाता था, सिर्फ सामान को इकट्ठा किया जाता था। अगला पॉइंट बताते हैं कि 1639 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया और राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने और उसका प्रोफेसर चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति शर्त पर दी गई कि मद्रास जो है बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, इसका नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज पर पड़ा, ठीक है। तो ये जो है दोनों दिए गए हैं, ये दोनों ही जो है वो एक सही है और एक गलत, क्योंकि दूसरा तो सही दिया गया है कि हमने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो है इसके नाम का एक किला बनाया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि वहां पर उत्पादन होता, उत्पादन नहीं होता, सामान को इकट्ठा किया जाता था, इधर उधर से जो भी सामान ये खरीदते थे वो यहाँ पर इकट्ठा करते थे, फैक्ट्री के अंदर जो है वो एक गोदाम होता था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर केवल 2 यानी कि 20 का आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्री से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था। इनका प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा जो हुगली को तहस नहस करना और मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देना, अंग्रेजों को लगा जो हमारे पास पावर है उस तरह की पावर जो है वो मुगलों के पास नहीं है, यानी कि मुगलों की शक्ति उन्होंने कमा था और इसी का जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनको जो है
औरंगजेब ने उनको खदेड़ दिया और उनको शरण लेनी पड़ी जहां पर एक द्वीप पर जो गंगा नदी के मुहाने पर है, एक द्वीप था वहां पर उनको शरण लेनी पड़ी। तो ये उनके लिए घातक साबित है। तो आंसर क्या है इसका? सी इसका आंसर है कि उन्होंने हुगली को तहस नहस किया था और अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। पहला क्या दिया गया है कि अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसियों से प्राप्त किया था। कहां से प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। तो पहला तो ये प्रगत हो जाता है। दूसरा क्या है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में स्थापित की थी। जो पहली फैक्ट्री थी वो मुसरीपट्टनम में स्थापित की थी। तो दूसरा भी गलत है। तो आंसर क्या है? ना तो एक सही है ना ही दो सही है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया? तो वो कहां पर स्थापित किया था? वो किया था सूरत में। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है वो 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उन्होंने बोला है सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियों खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी किया था। देखिए पश्चिम तट पर जो है वो कैप्टन हॉकिंस ने भी ले आया था, मगर सभी स्थान पर लेके आए थे सर टॉमस रो। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारिक कंपनियों ने संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन वो असत्य है? तो वो कौन सा है कि इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार जो है वो स्थापित था, मगर अधिकार किसका था? वो डच का था, क्योंकि उनके लिए इंपोर्टेंट जो है इंडिया से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है इंडोनेशिया था, क्योंकि वहां पर उनको मसाले प्राप्त होते थे, उनका सीधा सीधा संबंध है वो व्यापार से था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? बी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में भारत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। पहला क्या है कि इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। तो उस टाइम पीरियड पे हम बहुत अधिक जो है निर्यात करते थे, इतना आयात नहीं करते थे। पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या है कि इस सदी में भारत का विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप से काफी आगे था। तो उस टाइम पीरियड पे वहां पर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी। हमारा जो है वो विज्ञान के रूप में जो है उतना विकास हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और यही लोग जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। एक तो यहाँ पर मुगल आ गए थे, यहाँ पर जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के रूप में जो है यूरोप में हमारे पास अटैक हुए थे और बहुत सारे तरीके से बाहर से अटैक हुए और हमारे खुद की बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो हम जो है विज्ञान पे उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो इतना विकास हम नहीं कर पा रहे थे जितना जो है यूरोप के अंदर हो रहा था। दूसरा जो है वो गलत है, पहला सही है। तो आंसर क्या है? केवल एक, यानी कि ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाबों को सही कालक्रम लिखने में से कौन सा है? तो वो कौन सा है हमें पता लगाना है। देखिए पहला क्या है? मुर्शिद कुली खां थे, दूसरा थे सुजाउद्दीन, तीसरा थे सरफराज। ठीक है, तो तीसरा सरफराज थे, उसके बाद जो है अलीवर्दी खां थे और इनके उत्तराधिकारी थे सिराजुद्दीन दौला। तो आंसर इसका बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासन काल में हुई थी? तो वो हुई थी लुई 14वां में। आंसर इसका बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय जो है भारत निम्नलिखित में कौन सा उनका बादशाह था? तो यहाँ पर कौन सा बादशाह था? अकबर थे यहाँ पर। तो आंसर इसका क्या हो जाता है? क्योंकि 1600 टाइम पीरियड पे अकबर थे, उस टाइम पीरियड पर वहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ए इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वो किसने किया था? वो किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, 1613 में इनको अनुमति मिल गई थी, तो वो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, इधर दिए गए हैं समुद्र यात्री थे, उधर देश दिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ से संबंधित? तो पहला कहाँ वास्को डी गामा आप जानते हैं, वो पुर्तगाल से संबंधित था। कोलंबस जो है वो स्पेन से संबंधित थे। कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित थे और तस्मान जो है वो पोलैंड से संबंधित थे। तो आपको पता चल गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो वो की थी 1632 में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखें, मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंगाल और पश्चिम समुद्री तट के मुगल बंदरगाह को घेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले जो लोग थे, जो हज यात्री थे, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया गया था इसके द्वारा। और फलस्वरूप क्या हुआ कि औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। तत्पश्चात जो है जो जॉन ने उसको विवश होकर जो है औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी थी। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हो जाता है इसका ए। आइए आगे पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा जो है वो तत्कालिक कारण उसका रहा था। तो वो तत्कालिक कारण रहा था कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी राज्य को अधिकरण कर लिया गया था। तो आंसर इसका ए हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का प्रारंभ किया था। तो वो क्या था, डुप्ले। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो वो होती थी बिहार से। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था, तो वो कहां पर किया था, वो किया था सूरत में 1668 में स्थापित किया था, और वो किया था सूरत में। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो कौन है ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, तो वो है अल्मीडा, इन्होंने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बेदरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो वो किस किसके बीच हुआ था, वो हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच। इसके बाद जो है यहाँ पर बोरा बिस्तरा इंडिया से इनका उठ गया था, यानी कि इनका जो है व्यापार सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो किसको किया था, वो किया था विलियम हॉकिंस को। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।